अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री एसिड एंड बेस शुरू करेंगे। और ये तो हमारा रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, फिर भी हम ये देख लेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एसिड की डिफिनेशन देखते हैं और फिर बेस की, फिर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एसिड की जो डिफिनेशन है वो है, इट प्रोड्यूस एच आइंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी जब एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं यानी डाल लेते हैं तो वो एच आइंस देता है हमें। ये एसिड की डिफिनेशन है, ठीक है। डिफिनेशन क्या है एक दफा फिर मैं रीड करता हूँ डियर स्टूडेंट। इट प्रोड्यूस एच आइंस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, यानी जब हम एसिड को वाटर में डाल लेते हैं, जब आयनाइज होता है तो वो एच आइंस देता है। बेस की डिफिनेशन देखते हैं, इट प्रोड्यूस एच ओ यानी आयरोनियम आयन, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर। यानी जब हम बेस को वाटर में आयनाइज कर देंगे एंड डाल के आयनाइज कर देंगे तो वो एच आइंस बन जाएगा, सॉरी आयरोनियम आइंस बनेगा, ठीक है। ये बेस की डिफिनेशन है। इट्स इज सोर इन टेस्ट, यानी ये टेस्ट में सोर है। इट्स बिटर इन टेस्ट, ठीक है, ये तो आम सी प्रॉपर्टी आपको भी पता होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम एसिड और बेस देखेंगे। जो यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को जो है चेंज करता है टू रेड में, और ये रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है ब्लू में, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका HCl आप ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, ठीक है। ये एसिड है। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इनकी एग्जांपल है बेस की। यानी अगर पेपर में फिर भी आ जाते कि व्हाट इज एसिड एंड बेस, तो आप इस तरह डिफिनेशन लिख देंगे, प्रॉपर्टीज लिख देंगे, एक एक कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, एन एग्जाम्पल इसके भी, ठीक है। तो ये हो गया एसिड बेस की डिफरेंशिएट, ठीक है। अभी जो थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास साल्ट है, ठीक है। साल्ट को एक नज़र देखते हैं। साल्ट डिफिनेशन देखते हैं, सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस साल्ट। सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय ऑफ एसिड और बेस साल्ट। क्या मतलब हुआ, यानी फॉर एग्जांपल साल्ट, ये फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको आपने वाटर में आयनाइज कर दिया, ठीक है। ये वाटर में डाल के ये सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बना, स्ट्रॉन्ग बेस भी बना। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज हो जाए ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, तो आप उसे कह सकते ये दैट इज कॉल्ड साल्ट। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को आप अगर मतलब साल्ट वाटर में आयनाइज कर लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड भी बना, स्ट्रॉन्ग बेस भी बना, तो रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज है। तो इस न्यूट्रलाइजेशन को, ठीक है, आप साल्ट कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एसिड लिया, ठीक है, बेस लिया, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाया और ओ एच एच के साथ अटैच होके H2O बनाया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये न्यूट्रलाइज है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी बना, स्ट्रॉन्ग बेस भी, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज है। तो एक इसको साल्ट कहा जाता है। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, यानी ये हमारा रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक नज़र देखेंगे, क्योंकि एसिड और बेस और साल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रिड्यूस सिलेबस में के मुताबिक चलेंगे। तब तक अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।